कौन सी कावड़ है? या 36वीं 37वीं कावड़ है। तो गोमुख से ही लाए हो सारी? यार गोमुख से, बाकी गंगोत्री से। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। सारे बोला ना भाई, राम राम, जय शंकर की। स्वागत आपका न्यू ब्लॉग में। तो भाई देख लो, रात ने सारे कावड़ी है भाई, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई चिल में का सूटा तू मारा दे भोले नाथ कर रहा है। और उम्मीद है भाई आपको एक कावड़ी यात्रा पसंद आ रही होगी। पुलिस आड़े ही भाई कथित अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी तरीके से निभा रहे। देखो सारे का पुलिस आड़े खड़े भाई, गाड़ी गाड़ी घूमने लग रही हैं। और भाई पुलिस वाले देख लो, अब जैसे हम जाएंगे तो ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। वहाँ रोक दी बोलो गाड़ी। राम राम बोली। ये भाई अपना शॉर्टकट, जहाँ तो पुलिस वाले भेजे बोलो वहाँ ते आइयो भाई। कद हाईवे तो आई, हाईवे तो लंबा पड़ेगा। यह भाई अपनी तिरंगा कावड़, शंकर बाबा भी हैं और अपने जान तिरंगा तो है, कावड़ी है भाई। हेलो, जय शंकर की, जय बाबा की। अच्छा कार्तिक ना भूल गए, पिट्टा बोला गिर गए। आपका एजल कितना कितना लीटर है? 20-20 की सबकी। कहाँ जाओगे? दिल्ली। दिल्ली में प्रॉपर? ओके। तो यार कितना रह गया? अभी रहा बोले 140। बोले हमारे दादा 3 दिन दूर रह रहा है। हमारे 140 रह रहा है। 3 दिन तो सब, 3 दिन का तो सब कह रहे रहा है। जय श्री राम, जय शंकर दादा की। लो भाई बोलो, रेस्ट कर रहे हैं। और ये अपनी सेफ्टी के लिए योगी बाबा ने पुलिस वालों को ड्यूटी कर रहे हैं भाई अपनी। लो भाई बोले नू लिख रहा है, कृपा करके धीरे चले, मारते धीरे भी कोई चाल के। एक घंटे में 50 मीटर की एवरेज है। ये है अपने ब्लॉगर, एवरेज क्यों है देख सकते हो आप। सपना ही डाल मत, उस तो ही फालतू है। बोलो 4 बज गए और बीच में रुक गए थे 2-1 घंटा। या एक बट बोले की कावड़ है, उसको बुखार हो गया। तो भाई बोले पहुंचे शिव चौक, लगभग 101 मीटर पर शिव चौक है। तो वहाँ परिक्रमा करके देखते हैं। बोले कुछ नहीं खाया भाई आज रात, बस एक चाय और एक फैन खाया था। तो अब भाई शिविर देखें, सोएंगे यार, कम से कम 12 घंटे हो गए भाई नॉन स्टॉप चल रहे बिना सोए। और भाई मतलब बता नहीं सकते, बहुत पेन हो रहा है। बोले परिक्रमा करन लाग रहे हैं, हम भी परिक्रमा कर ले महादेव बाबा की। पौने 5 का टाइम हो रहा है यार। बोली जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक के लिए शिव चौक पे आ चुकी हैं। और ये हमारी बोली, बोले ये जीप बार कर। बाबा कहाँ तक लाए हो कावड़? मैं गंगोत्री से। गंगोत्री से? हाँ। कौन सी कावड़ है? या 36वीं 37वीं कावड़ है। तो गोमुख से ही लाए हो सारी? यार गोमुख से, बाकी गंगोत्री से। गंगोत्री से केदारनाथ जाता था, परंतु अब की बार नहीं जाता। एक बार गंगोत्री से केदारनाथ चढ़ा के देखो कावड़। गंगोत्री से केदारनाथ? हाँ। वो कितना है? वो होगा 150 किलोमीटर। अच्छा। आप पर सब सब कुछ याद दिला देता है। सारी परीक्षा ले ले। सारी परीक्षा ले ले बोले बाबा। और मैंने 7 कावड़ तो लॉकडाउन में ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा ली।
लॉकडाउन में कैसे बंद नहीं था सारा देश जब तो? मैं जो गंगोत्री से ले आ रहा किसान ना पूछा मेरे को गंगा से। अच्छा। नागेश्वर में गया और भाई सोमनाथ गया, फिर महाकाल गया, ओमकारेश्वर गया और भाई घुष्मेश्वर गया, त्र्यंबकेश्वर गया, भीमा शंकर गया, किसी ने नहीं पूछा मेरे को। हाँ परेशानी हुई लॉकडाउन की वजह से, ना पानी मिला ना चाह मिली। अच्छा। खाने की भी काफ़ी परीक्षा ली, जैसे कहीं आगे जाकर रोकना है तो दही और वो ले लेते थे डबल रोटी, वो अपना लेकर लटका लिया जीते, रात को रोका उधर खाने को गया। फिर बोले छाले छूले समस्या हुई आज तक? आज तक एक बार हुई। अच्छा। इतने छाले मैंने कावड़िया का अभी तक नहीं देखे। उतने का छाले हुए थे? हाँ, वो वजह थी कि मेरे को मालूम नहीं था कि कावड़ कैसे ली जाई जाती है, और वो 8-9 किलोमीटर का शॉट शुरू में मार दिया ज्वालापुर तक, उसके बाद तो शनि मंदिर पर मैंने उनको साथ छोड़ दिया। फिर क्या नाम बोले जी? जांग लगी, जांग जूंग लगती रहती है, उसके लिए इंच गार्ड रखो। नाजुकर थोड़ा बहुत चले हैं, पसीने आ जा फिर। गंदा और गीला कच्चा पहनने से लगती। अच्छा। पसीने से नहीं लगती, कच्चा गीला या ठीक से साफ नहीं करते तौलिया से, तब जांग लगती। अच्छा। कहाँ जाओगे बोले जी, कहाँ के हो? मैं सोनीपत जाऊँगा और सोनीपत में रहता हूँ। सोनीपत प्रॉपर? सोनीपत प्रॉपर। अच्छा, मैं गोहाना का हूँ। गोहाने में कहाँ है? काट मंडी। काट जानता हूँ, वहाँ एक है क्या बोलते हैं वो जो टेंट वेंट बनाता है महम रोड पर, शिव भगत है वो, काफ़ी ज्योतिर्लिंग पर पैदल जा लिया, रामेश्वरम भी पैदल गया हुआ हूँ गंगा जल। अच्छा। और एक बार जब आप गंगोत्री से केदारनाथ चले जाएंगे, आप यहाँ का सपना छोड़ देंगे, गंगोत्री से जल उठा केदारनाथ से रहा बस में बैठे। अच्छा, जन्नत के दर्शन है वहाँ पे फिर? बस सब कुछ पता चलता है कि हमारी कैसी जिंदगी है, कैसे कावड़ होती है, क्या होती है। अच्छा। इन दिनों में भी एक रजाई ओढ़ के जब सोना पड़े। अच्छा। बड़ी गर्मी में? बड़ी गर्मी में नहीं, बल्कि मैं नो चाहूंगा ये चूल्हा जो अंडरग्राउंड बना रखा है पारी ने। हाँ। तो इसके साथ में मेरी बेड लग जाता ठीक से। अच्छा। अरे एक जगह था केदारनाथ के रास्ते पे ग्वाली की चढ़ाई, जर्मन की लड़ाई बराबर होती है, शिवलीन भी बोलते हैं। अच्छा। मैं शुगर में जो हूँ भी कैप्टन से रिटायर हूँ कॉल। अच्छा, जय हिंद। जय हिंद। फिर बाबा जी बच्चे? दो लड़के हैं। अच्छा। सुपरिटेंडेंट है पोस्ट ऑफिस में। फौज में? पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। और एक टीजीटी एसएस है दिल्ली। अच्छा। दोनों की शादी कर दी, अलग अलग कर दिए, घरवाली ऊपर जा चुकी है अपने परिवार। फिर दादी की याद नहीं आती? क्या याद आवेगी, याद तो देखो, याद तो कोई भी चीज घटना घट जाती है वो याद याद तो आवे। हाँ। पर याद करने से भी क्या फायदा। हाँ। जीवन अकेला बिताना जब तक है। हाँ, बहुत मुश्किल है, और वो भी मैं अलग से रह रहा हूँ बच्चों। अच्छा, अलग तो क्यों? बस ऐसे ही आजकल अभी आप। हाँ, ये तो है। नादान हाँ। है जो बच्चों को पढ़ा जरूर देते हैं, संस्कार नहीं देते। सही बात है। ठीक है, जब संस्कार नहीं होंगे तो जो आती हैं लड़कियाँ वो अपने माँ बाप को माँ बाप समझती हैं, सासू ससुरे कुछ नहीं, कुछ नहीं समझती। हाँ, ये तो है, इसीलिए मैं अपना अलग। आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। हाँ, ट्रेंड बना। हाँ, ट्रेंड बना हुआ है। तो क्या है, मैं अपने अलग मकान है सोनीपत में, 6 किलोमीटर दूर बच्चों से, उधर ठाट से रहता हूँ। फिर खाना वाना बाबा? दो कमरे भी हरिया तहाँ दे रहे हैं। अच्छा। बढ़िया लेंटर के, वो उसमें रहते हैं,
झाड़ू पोछा करते हैं, खाना पड़ते हैं, सवेरे शाम एक भैंस रख रखी है उसका अपने नला दला के तो फिर बाबा नाम आपका? रिटायर्ड कैप्टन जगबीर सिंह राणा। जगबीर सिंह राणा रिटायर्ड कैप्टन, ठीक है बोले जी, धन्यवाद इतनी बात करने के लिए। थैंक यू। अब चले भाई शिव चौक से, और 24 घंटे चलने के बाद दो ढाई घंटे सोने में जो जन्नत मिलेगा ना, जो जन्नत का नज़ारा, ओए ओए मज़ा आ गया। तो भाई अब शिव चौक पे होने लगी थी भीड़। चलो शुक्र हमने सुबह सुबह ही दर्शन कर लिए थे, फिर हम यहाँ पे सो गए थे शिव चौक पे। तो भाई यहाँ से शामली बता रहे हैं 35 किलोमीटर, देखते हैं कि कहाँ तक चलेंगे। अब 10:30 तो हो चुके हैं सुबह के, 10:18 हो गए हैं, तो देखते हैं सुबह कहाँ तक चल पाएंगे। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरी चप्पल हो चुकी है चोरी। अब पहले चप्पल ढूंढनी है, बोलते हैं कि चप्पल उठा ले तो जितने ही पाप वो सारे कट जाते हैं। हर बार चप्पल उठती है, इतने तो पाप नहीं करता मैं, बाकी जो हर बार चप्पल उठती है। तो चलो कोई नहीं, किसी को जरूरत थी मेरे से ज़्यादा तो वो ले गया, तो चप्पल लेते हैं भाई पहले तो, कभी फिर छाले वापस से बनाओ भर जाएँ। हमारे बोले का तो लिया छाला पट्टी लाग रहा कराने मुजफ्फरनगर में। अरे एक बोले का भाई तगड़ी समस्या बन रही है, बस जित लेयर मालिश कराने बैठ जाए पाछा बताओ था स्वाद आवे दर्द दाद की बोले हाथ पके लवा लिया माँ काल छपो माँ काल तेने सारा ही मालिश करे 100 रुपए ले ले इनते निःशुल्क सेवा है। वाह भाई, हाँ भाई जी सारा मालिश करवा के बिल्कुल फिर ही चलना मुजफ्फरनगर चलना उल्टे काट दिए अनुमान था वो संकट काट दिए। बोलो भाई सब तो गलत चीज है यार, अगर आपके बस में नहीं है इतना चलना, इतनी भारी कावड़ को लेके चलना, तो ऐसे मत चला करो यार, ऐसे मत किया करो। खिलवाड़ जितना पैदल चलाए, जितना जल लेके चल सको आप उतना चलो ना, बैठ के बाइक पे ऑटो में रख के ये सब गलत चीजें हैं। यो वो हाईवे पानीपत सीधा हरिद्वार, कितने गांव में कितने गांव शहर में नहीं पड़ना भाई, सीधा बारवाई जागा तैयार होने लग रहा काम, कार्य प्रगति पर है इसका, खेत का बढ़िया तैयार होने लग रहा भाई, खती माड़ा मसाला बाकी गवर्नमेंट जाना भाई भारत तो दिखा बढ़िया है। राम राम बोले, काटे जाओगे हरियाणा में? कितने हरियाणा में कहाँ? किछाना जिला कैथल। अच्छा फिर या फिर बोले ही बुट्टी फिर क्यों करके त्याग रही ने वो भाई? अच्छा वो भाई भी आग रहे रगड़ के मसल के प्यार है ना सुखानी पड़े आग रहे तो बीड़ी मर के। अच्छा वो जुगर उस पर नीलकंठ तो प्या होते बांग यार वह सेमे है। अच्छा शाम के बज गए भाई 7, और अब भाई तीता अभी मील में थे और खाना वगैरह खाया है, थोड़ा बहुत नाश्ता जो भी है चाय ब्रेड किया है, और भाई शिव शामली पता नहीं कितना रह गया, लेकिन एक कमाल की चीज़ दिखी है मेरे को, और कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं मेरे को तो लग रही है, मतलब औरों को लगे या ना लगे भाई बोलो देख कर बताइए अगर आपको लग रही है हाँ या ना। देखो भाई मेरे को तो वो लग रहा है शिवलिंग शंकर भगवान जी का, बाकी अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो भाई चलते चलते बज गए 9 और शामली रह रहे 18 किलोमीटर, हमें मिले भाई 3 बोले, चलो उनसे करते हैं बात। एक बोला तो योरा 2 आ गए हैं, एक नंबर के जयकारे लान लाग रहे भाई, बोले के भक्ता ने जरूर पसंद आओगे वे जयकारे। बोलो जय शंकर की, जय शंकर की। कहाँ तो प्रॉपर पानीपत? तो फिर वो तो बतेरा टाइम रह रहा है, करोगे जाके हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। खाना खाया, अब होटल पर रुके हैं क्योंकि भाई शिविर बहुत लंबे लंबे दूर दूर है, मतलब यहाँ पे काफ़ी 2-2 किलोमीटर के तक तो कोई शॉप भी नहीं है, तो ऐसे ही पैदल चलना पड़ रहा है, तो ऐसे ही रोड पे और या होटल के आगे सोंगे। तो भाई
तब तक आप लो वीडियो का मजा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय बाबा की, जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज।